हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अजय। और फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाऊंगा कि आईफोन 6s का डिस्प्ले का जो रिफ्लेक्टर है फ्रेंड, वो किस कैसे चेंज करें। ठीक है, रिफ्लेक्टर की जो सीट होती है पीछे की, उसको कैसे चेंज करें जिसमें हमारी टच आईडी लगी होती है। चलिए देखिए, मेरे पास अभी एक रिफ्लेक्टर है दूसरे फ़ोन का, तो मैंने पहले अलग अलग है। देखिए यहाँ पे जो मेरे पे लगी हुई है उस पे देखिए, और जो हमें लगानी है उसकी टच आईडी का पता होता है फ्रेंड कनेक्टर। उस पे जो पिने हैं जो लगी हुई है हमारी डिस्प्ले में, वो पिने जो है कि घिसी हुई है, ख़राब है, तो हमारी टच वर्क नहीं कर रही है टच आईडी। तो देखिए, मैं जो दूसरे मेरे पास हाथ में रिफ्लेक्टर है, वो उसमें हमें हम फिटिंग करेंगे इसके अंदर। ठीक है, देखिए इसी जो टच आईडी है, मैं आपको दिखा देता हूँ पास से। थोड़ा कैमरे की थोड़ा दिक्कत है, जूमिंग तो जूम हो रहा है उससे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे जो नीचे की साइड वाला कनेक्टर है, पिने हैं, वो देखिए उस जो लगी है उसका और जो हमारा ओरिजिनल है इसका कितना फ़र्क है। तो मतलब जो हमारी टच आईडी वर्क नहीं कर रही है, तो उसको हम चेंज करेंगे। ठीक है, तो उसे कैसे चेंज करना है, तो मैं आपको उसमें दिखाता हूँ कि और समझाता हूँ कैसे इसको हम चेंज कर सकते हैं किसी भी आईफोन के रिफ्लेक्टर को। ठीक है, आईफोन 6s के। तो चलिए सबसे पहले मैं इसको निकालने की कोशिश करता हूँ। तो फ्रेंड, आपको ये काम बड़े ध्यान से करना है, कोई भी सीटें कटे ना, निशान ना पड़े ना, तो कोई डस्ट जाए अंदर से। ठीक है, तो देखिए मैंने पहले से इसको निकाल लेता हूँ हल्के से। इसके लिए आपको फिर नकली चीज़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा, पिन का, ब्लेड का या फिर चिमटी का। तो मैं चिमटी का इस्तेमाल करता हूँ, एक पिने जो इसकी सीट है वो निकालता हूँ। तो दो तीन सीटें फ्रेंड लगी होती है, वो जब तक पीछे से जब जो शीशे जैसा मिरर जैसा आ जाता है, शीशे वाली क्वालिटी ना आ जाए, जब तक आपको इसकी सारी सीटें हटानी है, जब तक शीशे वाली क्वालिटी ना आ जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं दो तीन सीट निकाल ली है, तो जब तक शीशे वाला सीट ना आ जाए, तब तक आपको निकालते रहिए। तो देखिए मैं इसको भी निकाल देता हूँ। फिर इसके नीचे देखिए दिख रहा होगा आपको, जो शीशे वाली सीट है जिसमें आपको सब कुछ दिखाई देता है मिरर की तरह, वही चीज़ आपको निकालनी है। ठीक है, तो देखिए मैं वही निकाल रहा हूँ, तो आपको दिख जाएगी। देखिए बिल्कुल आराम से निकालनी, चिपकी हुई है ये, बिल्कुल आराम आराम से निकालनी है कि एलईडी पे कोई दबाव ना पड़े, एलईडी बाहर ना आ जाए। तो देखिए इस तरह से मैंने ये सीट में निकाल दी, देखिए आपको दिख रही होगी शीशे की तरह। अब ये जो सीट है मेरे पास दूसरी, मैं इसको लगा देता हूँ इसके ऊपर, तो आपको दिख रहा होगा फ्रेंड वो जो है सीट, उसमें हमारे टच आईडी का जो कनेक्टर था वो ख़राब है, इस वाली में बिल्कुल ओके है। चलिए अब इसको फिट कर देंगे। तो इसके लिए आपको अपने हाथ से इसके अपने डिस्प्ले का बैलेंस बनाना पड़ेगा, कहाँ से आपको अच्छा लगेगा। और डिस्प्ले कहीं से भी, मतलब कोई भी सीट मतलब हल्की फुल्की उठी नहीं होनी चाहिए, ना डस्ट आने चाहिए, ना डिस्प्ले में दिखाई देगा। ठीक है, तो चलिए उसको ऊपर से रखेंगे। इसको कैसे रखना है बताता हूँ। सबसे पहले आप उसको ऊपर से ही रखना, क्योंकि ऊपर गम लगी होती है, ऊपर से ही आपको बैठाना है कोने से, बड़े आराम से ध्यान से, कहीं और से मत बिठाना, सीधा ऊपर से ही आप बिठाना, तब जाके ये बैठेगी आराम से। तो उसको ऊपर से हल्का सा पुश करना है आपको, हल्की से बिठा के फिर इसको छोड़ देनी है। ठीक है, अब देखिए छोड़ दिया, तो अब ये बैठ गई है, तो उसको दबा देंगे। तो देखिए फ्रेंड कितना आसान था, कुछ भी नहीं किया इसमें, ज़्यादा मेहनत नहीं थी। अब इसको हम चेक कर लेंगे कि इसमें डिस्प्ले लाइट आई कि नहीं आई। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड बोर्ड में थोड़ी दिक्कत है, एप्पल लोगों पे है, इसलिए मैं इसमें सिर्फ चेक करनी है कि ऑन हुआ कि नहीं। तो देखिए ऑन तो हो गया, तो मतलब फ्रेंड हमारा रिफ्लेक्टर ओके हो गया। हमें फ्रेंड अब जैसे कि हमें कुछ भी नहीं करना है, अब हमें बस अब डिस्प्ले फिट कर देनी है। हमें बस चेक करना था कि एप्पल लोगो इसमें आया कि नहीं। अगर रिफ्लेक्टर नहीं लगा हुआ तो एप्पल लोगो नहीं आएगा, या वाइट बैकग्राउंड पर आपको बहुत सी लाइनें दिखेंगी, ये कालापन दिखेगा, बहुत कुछ दिखेगा। ठीक है, अभी तो फिलहाल इसमें कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल ही सही है। तो मैं आपको फिर एक बार दिखा देता हूँ, बिल्कुल ओके है डिस्प्ले, कहीं से कोई भी निशान नहीं आया डिस्प्ले के अंदर, देखिए कहीं से भी निशान नहीं है। बस यही चीज़ हमको देखनी थी कि ये डिस्प्ले बस ठीक है या नहीं। ठीक है, ये हमारी डिस्प्ले ओके हो गई है, इससे पहले थी कि क्योंकि फ्रेंड हमें बस टच आईडी का जो कनेक्टर था वो इसीलिए हमने चेंज करी है सीट को, जो हमारी सीट आती है ये फ्रेंड, ये मार्केट में जल्दी नहीं मिलती है, ये आपको किसी और फ़ोन से ही निकालनी पड़ेगी, जिसका रिफ्लेक्टर होता है बहुत महंगा मिलता है। तो मार्केट में मेरे ख्याल से 450 का रिफ्लेक्टर है। आईफोन का 6 का तो 100 रुपये का है, लेकिन 6s का 450 का ही है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या मैंने क्या दिखाया था, मैंने आपको दिखाता हूँ कुछ से दिखाता हूँ अभी एक मिनट। तो ये देखिए आपको नीचे जो कनेक्टर है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो जो नीचे वाला कनेक्टर है फ्रेंड, देखिए नीचे का है, यहाँ पे ये जो मैंने पहले वाला है ये ख़राब था, और इसकी जो मैंने लगा दिया है ये ऐसा था। तो आपको दिख रहा होगा कि दोनों में क्या डिफरेंट है, तो इसलिए हमने इसका रिफ्लेक्टर चेंज किया है। तो देख आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो फ्रेंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको मैं नए नए वीडियोस आईफोन पे दिखाता रहूँगा, जिससे कि आप कुछ ना कुछ सीख पाओगे।
अगर फ्रेंड आपको मेरे वीडियो सीख रहे हो तो मुझे कमेंट्स में बताना, मैं आपको और भी वीडियो बना के देता रहूँगा। ठीक है, थैंक यू। जी मैंने एक बार फ्रेंड चेक कर लेता हूँ, तसल्ली कर लूँ एक बार फिर से। ठीक है फ्रेंड, ये बिल्कुल ओके है, डिस्प्ले कहीं से कोई भी चीज़ डाउट नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप फ्रेंड आईफोन 6s का रिफ्लेक्टर रिप्लेस कर सकते हो। कोई दिक्कत हो तो डिस्प्ले के अंदर आती है तो इस तरह से आप शीट हटा के ठीक कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हो, इससे आप काफ़ी कुछ मेरे वीडियो से सीख सकते हो ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो आप इस तरह से आईफोन ठीक कर सकते हो। थैंक यू।